हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 10x10 की दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगती है, या फिर दोस्तों 10x10 की अगर वॉल हम बनाते हैं उसको बनाने में कितनी ईंटें लगने वाली है, ये कैसे कैलकुलेट करें, वो दोस्तों मैं आज के वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। राइट दोस्तों, जब भी हम किसी वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, दीवार का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो पहला क्वेश्चन यही आएगा कि इस दीवार को बनाने के लिए हमें कितनी ईंटें या फिर ब्रिक्स जो है वो ऑर्डर करनी पड़ेगी। ज्यादा मंगाएंगे तो रिटर्न करना पड़ेगा, कम मंगाएंगे तो फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट नंबर कैसे निकालते हैं वो दोस्तों मैं आज के वीडियो में आपको सिंपल मेथड से सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला काम आपको लिख लेना है। देखिए इस तरह से आप फिगर भी बना सकते हैं, रफली कागज पे बना सकते हैं कि देखिए इसकी हाइट कितनी है 10 फीट, इसकी विथ कितनी है 10 फीट, और दीवार की जो चौड़ाई है ब्रिक के बराबर होती है, मतलब ब्रिक की जो विथ है मतलब 4.5 इंच के करीब आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंबाई कितनी है बॉल की 10 फीट, चौड़ाई कितनी है 10 फीट। अगर हम एरिया निकाले ये वाला 10x10 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 स्क्वायर फीट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, एरिया हुआ। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, ये एरिया हुआ, वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये जो वॉल की थिकनेस है, राइट, ये हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ एरिया कितना है। देखिए थिकनेस यहाँ पे वॉल की कितनी आ जाएगी, अगर हम थिकनेस कैलकुलेट करें तो ये करीबन 4.5 इंच आ जाएगी। ठीक है, 4.5 इंच को अगर हमें फीट में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0.375 फीट हो जाएगा। ठीक है, 0.375 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया क्या है, एरिया कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाय ये हमारी थिकनेस कितनी आई, 0.375। तो वॉल्यूम कितना आ गया यहाँ पे, करीबन 37.5 ये आ जाएगा क्यूबिक फीट में। ठीक है, तो आपको एक थंब रूल तो पता ही होगा कि थंब रूल की अगर बात करें, ठीक है, नहीं पता होगा तो आप लिख लीजिए, थंब रूल के मुताबिक 1 मीटर क्यूब में 500 नंबर्स ऑफ क्या लगती है, ब्रिक्स लगती है, 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स लगती है। उसका कैलकुलेशन भी मैंने एक वीडियो में दिया था कि कैसे 500 आती है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब 1 मीटर क्यूब में 500 नंबर्स ब्रिक है, पर मेरे पास क्या है, क्यूबिक फीट है, तो मुझे इसको क्यूबिक फीट में देखना होगा कि 100 क्यूबिक फीट में या फिर कोई 1 क्यूबिक फीट में कितनी ब्रिक्स लगती है। तो ये देखिए मीटर क्यूब कहाँ से आया, मीटर को हम 3 बार मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो अगर मैं मीटर को अगर देखिए, और हमारे पास क्या है, 1 मीटर बराबर 3.28 फीट है। ठीक है, 3.28 फीट होता है, तो हम क्या करेंगे इसको फीट में लेंगे, तो इसको 3.28 मल्टीप्लाइड बाय 3.28। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये करीबन हो जाएगा हमारा 30, ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35.314, ये हो जाएगा आप क्यूबिक फीट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक फीट, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो गया, 35.314 क्यूबिक फीट हो गया। अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 35.314 क्यूबिक फीट बराबर में 500 ब्रिक्स लगती है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 35.314 क्यूबिक फीट हो गया, तो 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स लगती है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए क्रॉस कैलकुलेशन आपको बताता हूं कि 35.314 में क्यूबिक फीट में हमें 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स लगती है। ठीक है, तो 37 हमारा जो 100 में ये जो वॉल है, राइट, इसका क्यूबिक फीट में वॉल्यूम कितना आया था, 37 इसको हमने मान लिया 37.5 क्यूबिक फीट आया था। ठीक है, 37.5 क्यूबिक फीट हमारा वॉल्यूम आया, तो 37.5 क्यूबिक फीट में कितनी ब्रिक्स लगेगी, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है। तो ये सॉल्व करने हमने 10th में सीखा है,
इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इक्वल टू, देखिए इसको 37.5 मल्टीप्लाइड बाई 500 डिवाइडेड बाई ये क्या है 35.314, तो करीबन 530 ब्रिक्स जो है हमें लगने वाली है 100 स्क्वायर फीट वॉल कंस्ट्रक्शन करने में। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये 100 स्क्वायर फीट भी हो सकता है, 1000 स्क्वायर फीट भी हो सकता है, आप इजीली दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा।